पंजाब बचाओ यात्रा भी कढ़ी जा रही है अकाली दल दे वल्लों, किस तरह का रिस्पोंस मिला? बहुत मोह भंग हो चुके, डुकी ठगे हुए महसूस करते। बंदी सिंह की रिहाई का मसला भी अद विचकार ही लटकया हुआ। कोई गल नहीं, पार्टियां दे आपो अपने स्टैंड होंदे आ। किसानी दल मुद्दे के उपर की अकाली दल का स्टैंड है? कोई लोकतंत्र वास्ते कोई वधिया चंगी गल। सो लोकसभा चोणा 2024 का विगल वज चुके, वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों पूरी तैयारी की जा रही है। इसे तहत श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों भी जिहड़ा कि बैठक का दौर जारी है। साडे नाल पार्टी के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां। चीमा साहब, किस तरह की रणनीति नूं लै के जिहड़े कि इलैक्शनां दे विच अकाली दल नेत्र रहे, अज दी मीटिंग का की एजेंडा हैगा खास? पार्लीमेंट की इलैक्शन अनाउंस हो चुकी है, कुछ पार्टियां ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिता जी। श्रोमणी अकाली दल ने भी अपने उम्मीदवारों का फैसला करना और हेठां तक राय करने वास्ते वक्-वक् पार्लीमेंट जिहड़े हल्के ने उन्हां दे 6 पार्लीमेंट हल्कियां दी मीटिंग अज रखी है, 5 दी कल रखी और सारे साडे जिला जथेदार हल्का इंचार्ज SGPC मैंबर ते जिहड़ा भी कोई सीनियर लीडर होर इन्हां पार्लीमेंट हल्कियां दे विच आ उन्हां दी जिहड़ी है 1-to-1 राय जिहड़ी है कि थल्ले वो किस तरह महसूस करते हैं, किसनों बैटर कैंडिडेट समझते हैं, आपो अपनी फीडबैक जी है वह सारे पार्टी दे रहे। तो उदाहरण की गल है फिर कैंडिडेट जोड़े है उन्होंने सुन। तो ग्राउंड लैवल तो वर्करा तो राय लै रहे हो, इसका पार्टी की मजबूती होर मिलेगी, तो जल्द ही फिर कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट भी हो सकती? कुदरती गल यही प्रक्रिया होंगी है कि जो भी कोई इलैक्शन होंगी है तो पहला वो मुताबिक वर्कर की हेठा तक राय ली जाती, फिर ही जोड़े है सही उम्मीदवार चुने जाते हैं, वो उम्मीदवार फिर पार्टी जी अधिकारित तौर पर अनाउंस करेगी। हम पंजाब बचाओ यात्रा भी कढ़ी जा रही अकाली दल के वालों, किस तरह का रिस्पोंस मिले क्योंकि वख-वख हल्कों के हम गुजर रही है यात्रा? लोगों का सूबे की सरकार तो भी, केंद्र की सरकार तो भी, कांग्रेस की पिछली सरकार तो भी बहुत मोह भंग हो चुके, लोकी ठगे हुए महसूस करते कि किड्डे वड्डे वड्डे वादे कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी ने भी किए थे, असलियत दे विच लोकां नाल किड्डा वड्डा धोखा होया। इस करके बड़ा अच्छा रिस्पोंस है और बड़ी चढ़दी कला दे नाल लोकी साथ दे। तो चर्चावां तो यह भी सीगियां कि BJP नाल जिहड़ा कि अलायंस हो सकता है, पर जिहड़े कारणां करके नहीं होया, किसानी मुद्दे हले भी वह बरकरार हैगे ने, बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला भी अद विचकार ही लटकया होया। कुदरती गल है जिहड़े इशूज हुंदे आ उह पार्टियां अपने लोकां दे इशू किसी नाल भी गलबात करन तो पहला विच रखदे आ, तो जो इशू एड्रेस नहीं होंदे तो फिर कुदरती गल अगे चलना औखा हो जाता। इत्थे भी यही स्थिति सी, कोई गल नहीं, पार्टियां दे आपो अपने स्टैंड होंदे आ, साडा अपना नज़रिया, साडे वास्ते मुद्दे पंजाब दे लोकां दे पहला ने, पंथ दे मुद्दे पहला ने, इस करके असी उहदे ते इकल्लिया जाके कंसंट्रेट करन दा फैसला कीता, वो अपने हिसाब नाल चलणगे। तो किसानी दल मुद्दे के उपर की अकाली दल का स्टैंड है? देखो किसानी के मुद्दे के उत्ते तो असं पहला भी बड़ा खुल के बोले हैं कि जिन्ना जबर जुलम इस एजीटेशन के उत्ते होया बहुत ही गैर लोकतंत्री तीर है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हक सारे, पर जिहड़ी साडी आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत वड्डा विरोध करती सी 3 खेती बिलों का, हुण जिहड़ा इन्होंने नोटिफिकेशन किया उहदे च 20-22 जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां मल्टीनेशनल कंपनी दियां, जिस च अडानी दियां मंडियां भी ने, होर भी मल्टीनेशनल कंपनियां दे, उन्हां दे साइलोज नूं जिहड़ा वो मंडियां डिकलेयर किया, तो उदों कहिंदे सी इह बिल जिहड़ा वापस होना चाहिए, तो केंद्र ने तो बिल वापस कर लिया, भगवंत मान ने हुण लागू करते, तो हुण दसण भी इन्हां ते किहदा दबाया, ये मल्टीनेशनल कंपनियां दे नाल इन्हां दा की होया, कोई समझौता होया की होया, तो हुण जिहड़े आ अपने आप उहदा नोटिफिकेशन करके प्राइवेट मंडियां बनाती, पुराना मंडीकरण सिस्टम तोड़ दिता, इस करके ये असलीयत जी है भगवंत मान सरकार की वह बाहर आई। चीमा साहब, एक देखने चाहिए कि अजकल दल बदलिया दौर बड़ा चल रहा है, जो कोई नाराजगी होंगी चलो भी पार्टी बदल के दूसरे दल के शामिल हो जाना, इदा लगता है कि लोगों का भी धक्का है हैगा जिहड़ा कि विश्वासघात है? देखो कई बार किसी मुद्दे के उत्ते कोई लीडर स्टैंड लैंदा तो वह तो गल समझ आती कि कोई जायज़ गल के उत्ते सिद्धांतक तौर के उत्ते कितने कोई स्टैंड लैंदा तो पार्टी छड्डदा वह बहुत रेयर होंदा, लेकिन उहदा कोई कारण होंदा, पर अजकल दा जिहड़ा रुझान है कि सवेरे एक पार्टी च, दुपहर नूं दूजे च, फिर शाम नूं तीजे च, इहदे बारे पार्टियां नूं भी सोचना चाहीदा, जाण वालिआं नूं सोचना चाहीदा। फिर लोकां ने कितें कितें इह विश्वासघात नहीं है क्योंकि उही पार्टी जो कि
जिस ते कैंडिडेट होंदा उसके उपर लोग भरोसा करके जिताउंदे ने, पर वो जो किसी दूसरी पार्टी जांदा तो लोग अपने ठगे महसूस करते हैं। नहीं बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन लॉ तो इस करके बनया सी, पर हुण उहदी प्रॉपर वरतों जिहड़ी है वो नहीं हो रही। मर्जी की जाती है विधानसभा के स्पीकर साहबान नालों, मर्जी है किसी को डिसक्वालीफाई कर देंगे, मर्जी कई कई साल पेंडिंग रख लेंगे। इस करके ये प्रवृत्ति दिनों दिन जिहड़ी है ये वधदी जा रही, और ये कोई लोकतंत्र वास्ते कोई वधिया चंगी गल नहीं। गलबात करनी सो इस सन डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिन्हों के वलों पंजाब के नाल संबंधित तमाम मुद्दे उपर गलबात की गई, तो ही श्रोमणी अकाली दल की चोण नीति के बारे भी जानकारी साझी की गई। कैमरा परसन रजत के नाल परविंदर चंडीगढ़।